राणावट नाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिकता का इलाज होता है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि समलैंगिक कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ऐसा मैंने पूर्व में आप लोगों को बहुत बताया है। आज उस लड़के की आवाज़ बताऊंगा जो समलैंगिक था। उसने 12 लड़कों के साथ में समलैंगिकता के संबंध बनाए। उन्हें महिला अच्छी नहीं लगती थी और मुखमैथुन और गुदामैथुन का आदि हो चुका था। और वो पीड़ित व्यक्ति आज आपको बताएगा कि किस प्रकार से एक महीने में ऑनलाइन काउंसलिंग ली और उससे वो कैसे ठीक हुआ। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो समलैंगिक होते हैं उनके कितने प्रकार हैं। प्रकारों को भी आपको जानना जरूरी है। मैंने कई बार बताया है, बार बार बताया है और आज भी बता देता हूँ आपको। जो जन्म से समलैंगिक होते हैं उनका इलाज या निदान नहीं होता है और वो मेरे पास पहुँचे नहीं और उनका मुझे अनुभव नहीं है। दूसरे जो वे हैं जिनके साथ में बहला फुसला कर बलपूर्वक या भ्रामक अवस्थाओं में भ्रम में कुछ भटके हुए भी हो सकते हैं, वे लोग सारे ठीक होते हैं। दो नंबर के तीसरे कुछ पर्यावरण की वजह से होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। और चौथे जो हो सकता है कि हार्मोन्स की गड़बड़ियों की वजह से हो सकते हैं, तो वो मुझे मिले नहीं है, उनका मुझे अनुभव नहीं है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से पीड़ित लड़के ने मुझे बताया और उसने मुझसे इलाज लिया, उसकी ओरिजिनल आवाज़ सुनेंगे। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ जो भूल से भ्रम से बहला फुसला कर या उनके साथ में बलपूर्वक गुदा मैथुन किया है, मुख मैथुन करवाया है, तो वे लोग ठीक होते हैं। वो समलैंगिकता की लत लग जाती है। उन लोगों में इस प्रकार से लत होती है कि वो एक प्रकार की ओसीडी हो जाती है और वो उनको महिला सामने है तो दिखती नहीं है, उन्हें कोई फीलिंग नहीं आती उनके प्रति। और लड़कों को देखते हैं तो फीलिंग आती है। ऐसा ही एक लड़का है जो अभी आप सुनेंगे, पर ये अनुसंधान मैं बताता हूँ मैंने किए हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण दिए हैं मेरे पास में, सैकड़ों प्रमाण पड़े हैं ठीक होने के। मैं दूसरों के कंधे पे बंदूक नहीं चलाता हूँ। मैं अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंग्लैंड यूरोप में क्या किया, उनकी सभ्यता क्या है, उसका मुझे पता नहीं है, पर मैं उनकी बोली बोलने की बजाय मैं मेरी बोली बोल रहा हूँ। और मैंने जो अनुसंधान किया है वो आपको अब इस लड़के की आवाज़ में सुनिए। अब तबीयत कैसी है? बढ़िया ठीक है। अच्छा, अब आकर्षण किस में होता है? अब आकर्षण लड़की में होता है। लड़की में होता है। अच्छा, अब जो लड़के हैं विपरीत लिंग वो कैसे लगते हैं? जिन्होंने लगते अच्छे नहीं लगते, एकदम एक तरह का घृण लगता है, कैसा देखने का मन भी नहीं करता है। अच्छा, अब घृणा होने लग गई है। अच्छा, अब शादी करने का मन करता है कि नहीं करता है? शादी करने का मन करता है। वेरी गुड। तो अब समलैंगिक है जो लड़के हैं वो कैसे लगते हैं? आवाज नहीं आ रही। हेलो, रेंज में नहीं हो क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ, तो अब कैसे लगते हैं वो लड़के? अच्छा, अब आत्मविश्वास कैसा है? हेलो, आत्मविश्वास ठीक है, अभी अच्छा लगता है। आत्मविश्वास अच्छा लगता है। अच्छा, अब गुदा मैथुन मुख मैथुन कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अब ये ऐसे मुख मैथुन या गुदा मैथुन करने की इच्छा होती है? नहीं नहीं होती है, भूल के भी नहीं होती। हाँ, अच्छा, कोई दूसरों को संदेश देना चाहोगे तो क्या दोगे? यही संदेश दूंगा कि ऐसा आदमी से बचने के रहना चाहिए, आप उनको खुद को ये होना चाहिए कि क्या कर रहा है मना करना चाहिए, ऐसा आदमी से ये नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, तो यही संदेश दूंगा कि कोई ऐसा गलत अपने के साथ में करता है तो उसको रोकना चाहिए, उसको धमकी देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ये नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बात नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, एक महीने में क्या अंतर लगा?
एक महीने में बढ़िया लगा, पहले जैसा ये हो जाता था, अभी थोड़ा आत्मा ये मन कुछ अच्छा लग रहा है, पहले से भी बढ़िया लग रहा है। और बहुत जैसे आपके आपके साथ में दुर्घटना हुई, ऐसे क्या दूसरों के साथ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ऐसे, दूसरों के साथ किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, ये सब गलत चीज है। जब तक खुद विरोध नहीं करता तब तक ये नहीं होता है, विरोध करना सीखना है, मना करना नहीं बोलना सीखना है, अच्छा ये होना चाहिए, ये सब गलत चीज है। और मैं ये तो देखो, इलाज लेने से पहले गारंटी नहीं ली थी, मैंने कहा था मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, वो कैसा लगा? वही ना, गारंटी रिस्क लेंगे तभी ना हम ठीक होंगे, रिस्क लिया, गारंटी आपने बोला था गारंटी नहीं देता है, लेकिन तभी वे रिस्क लेके आपके पास ये आ गया, काउंसलिंग ली, कॉन्फिडेंस हो गया, आप के विचार से ये हो गया, मन में अच्छा लगा, ये नहीं। तो कुल मिला के जो पैसे मुझे दिए थे, आपके साथ में कोई धोखाधड़ी हुई कि नहीं हुई? नहीं नहीं हुई, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, वेरी गुड। तो भारतीय संस्कृति में कहते हैं दूधो नाओ पूतो फलो, अर्थात जल्दी शादी करो, अपनी पत्नी से औलाद पैदा करो, और वो औलाद आपके स्त्री का दूध पिए, बड़ा हो और यश मिले, कीर्ति मिले, वंश वृक्ष बले बढ़े, इस शुभकामना करता हूँ। अच्छा हेलो, ये मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी वार्तालाप हुई है उसका वीडियो दे सकते हो? ओ, दे सकता हूँ। और ये ओरिजिनल आवाज़ मैं वीडियो पे डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। दूधो नाओ पूतो फुला, हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा व्यवहार बने उसके लिए, क्योंकि मैंने कोशिश की है भारतीय संस्कृति को बचाने का, सबके लिए अच्छा प्रयास किया है, और ये जो अच्छा प्रयास कर रहे हो तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी और दुआएं भी एक दूसरे को मिलती है, नहीं समझ में? ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ये लड़का किस प्रकार से पीड़ित था और ये ठीक हो चुका है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं, मेरा कहना यही है कि आप अपने परिवार में बताइए अपनी समस्याएं, परिवार वाले आपके निदान ढूंढेंगे। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति अलग है, हम अंग्रेजों की संस्कृति से प्रभावित नहीं हैं, इसलिए आपको अपने परिवार में बता देना चाहिए ताकि परिवार वाले आपकी मदद कर सकें और आप इससे दूर हो सकें, ताकि आप अपनी संस्कृति, समाज, सभ्यता को बचा सकें। और आप लोग बड़े जॉइंट फैमिली वाले हैं, हमारे यहाँ खानदान के रूप में लंबा इतिहास देखा जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, सेक्स कर ड्राइव एक कला है, और इस कला को जिसने नहीं सीखी है वो आसानी से सीख सकता है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।